नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग अपने इस लेक्चर पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात बताऊं, मैं इस टॉपिक पर जब मैं आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़ाऊंगा तो इस नियम पर मैं राउल्ट के नियम की बात करूंगा या राउल्ट के नियम के बारे में कुछ बोलूंगा। तो बच्चों आपको राउल्ट नियम जो सीधे बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं राउल्ट का नियम बोलूंगा तो शायद उन्हें समझ में ना आए, इसीलिए आप लेसन 12 सॉल्यूशन, ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट पर जाएं और आपको उसमें राउल्ट के नियम के लिए एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने कंप्लीट उसको विस्तार तरीके से समझाया। पहले आप उसे समझ लेंगे फिर इसे देखेंगे, ठीक है, और बाकी जो लोग देख चुके हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है, यहां से बिल्कुल क्लियर है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है, सबसे पहले मैं आदर्श विलयन की बात करूंगा। आदर्श विलयन क्या है भैया? आदर्श विलयन वह विलयन है जो विलयन बन चुका है। अब आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन वह विलयन है जो सांद्रता की किसी भी परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही आदर्श विलयन कहते हैं। सांद्रता की किसी भी परास में हो भैया, हो सकता है वो बहुत ज्यादा सांद्र हो सकता है वो तनु विलयन हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आदर्श विलयन वह विलयन है जो सांद्रता की किसी भी रेंज में हो, सांद्रता की कोई भी परास में हो, वो सदैव राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं बच्चों? आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन के देखिए गुण क्या क्या कहता है। पहला गुण यही है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो बच्चों ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या कहता है राउल्ट का नियम? PA इज इक्वल टू पी नॉट ए चाहिए ये, ठीक है, ये विलयन में उपस्थित विलायक के लिए राउल्ट का नियम है। विलयन में उपस्थित विलेय होता तो क्या होता? PB इज इक्वल टू पी नॉट बी चाहिए भी, ठीक है ना। तो भैया पहला नियम कहता है, पहला गुण कहता है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा क्या कहता है? आदर्श विलयन के आयतन व एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन के आयतन, आयतन का मतलब स्थान घेरने की क्षमता, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में होगी वो। एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब उसकी ऊष्माई में कोई परिवर्तन नहीं है। तो भैया आप सीधी सी बात जानते हैं, एक शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दीजिए, जैसे नमक। नमक को आप यदि एक गिलास पानी पर मिलाते हैं तो आप नमक देखेंगे उसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। तो आप देखेंगे कि उस लिक्विड का, उस जल का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, आयतन बढ़ता नहीं, उतना ही रहता है। इसका मतलब आयतन कैसा रहता है? निश्चित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता। साथ ही साथ एंथैल्पी भी कैसी होती है? अपरिवर्तनशील होती है। जैसे देखिए AA, बच्चों मैं A किसके लिए प्रदर्शित करता हूं? शुद्ध विलायक के लिए। BB, ये B विलेय के लिए। तो क्या कह रहा है इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं विलायक की बात करूं तो विलायक में कोई एक अणु तो नहीं होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। तो विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण, अगर मैं विलेय की बात करूं तो विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण, विलेय भी बहुत सारे होंगे। तो क्या हो रहा है भैया, जब विलायक के बीच ये बंधन टूटता है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं विलायक और विलेय को, तो इनके बीच में जब बंधन टूटता है तो टूटने के उपरांत जितनी ऊष्मा इसमें से निकलती है उतनी ही ऊष्मा उतने से निकलती है, अर्थात दोनों की ऊष्माएं बराबर होती हैं। तो क्या होता है, जब ए इस बी के साथ बंध बनाता है तो जितनी ऊर्जा इससे निकली उतनी ऊर्जा उससे निकली, तो एक बार बी बनाने के लिए उससे निकलने वाली ऊर्जा इस्तेमाल करता है, इसी प्रकार ए इस बी से निकलने वाली, मतलब ये ए जब इस बी के साथ आकर्षण करता है तो भी उतनी ही निकलने वाली ऊष्मा, यानी कहने का मतलब जितनी ऊष्मा निकल रही है, जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी ऊर्जा का पूरी तरीके से लोग उपयोग कर लेते हैं। ऊर्जा कुछ भी
नहीं, ना बढ़ती है ना घटती है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ए और बी सॉल्यूशन बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब विलायक चणु आपस में टूटते हैं तो विलेय चणु जब आपस में टूटते हैं तो इनके बीच का जो आकर्षण है, इनके जी जो बीच का आकर्षण है, जब वो ब्रेक होता है, टूटता है, तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी का मान बराबर होता है। और जब वो विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो उन्हें निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आदर्श विलयन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनादर्श विलयन की। ठीक है, तो अनादर्श विलयन बच्चों सीधा सीधा जस्ट अपोजिट बोल दीजिए। तो अनादर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जो सांद्रता की किसी भी परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे ही अनादर्श विलयन कहते हैं। बच्चों ऐसा विलयन जो सांद्रता की किसी भी परास में हो परंतु वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, और बच्चों दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। दो तरह के। सबसे पहले धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन की क्या बात करें। धनात्मक का मतलब बढ़ना भैया, बढ़ना। तो क्या होता है धनात्मक अनादर्श विलयन, क्या धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन क्या है? ठीक है, ऐसा विलयन जिससे बनने वाली वाष्प दाब वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम के वेपर प्रेशर से ज्यादा बनती हो, राउल्ट के नियम के वेपर प्रेशर से ज्यादा बनती हो, ऐसे विलयन को धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप याद कीजिए, मैंने आपको राउल्ट के नियम में पढ़ाया था एक ग्राफ। राउल्ट के नियम में आपने क्या देखा था? कुछ इस प्रकार राउल्ट के नियम का ग्राफ था, आपको बिल्कुल याद होगा ये। ठीक है, ये यही था ना राउल्ट के नियम का। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये राउल्ट के नियम का ग्राफ था। क्या कह रहा है? राउल्ट के नियम की खुद की अपनी खुद की वेपर प्रेशर है, लेकिन धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन में क्या कहता है? धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन की जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब होती है, वो राउल्ट के नियम से ज्यादा होती है, या राउल्ट के नियम से या नियमानुसार बनने वाली वाष्प दाब से ज्यादा की होती है। अर्थात ज्यादा का मतलब ऊपर और बढ़ना। तो देखो ये विलयन की वेपर प्रेशर, ये इसकी वेपर प्रेशर, ये शुद्ध विलायक के लिए था, फिर ये शुद्ध विलायक के लिए वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इसके बाद ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन ठीक विपरीत है। ठीक है, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिससे बनने वाली वाष्प दाब राउल्ट के नियम से बनने वाली वाष्प दाब से कम की होती है, उसे ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। इसको भी देखिए आप, सबसे पहले आप राउल्ट के नियम का ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए, ये राउल्ट के नियम का मैंने ग्राफ बनाया है बच्चों। ठीक है, ये तो कम की होती है, तो कब ऊपर गया तो बढ़ रहा था, नीचे जाएंगे तो कम होगा। तो ये देखिए नीचे ये कम हुई। अब इस लाइन के लिए देखें, विलय के लिए, ये विलय को दर्शाती, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे कर दीजिए ये घट रहा है ये। फिर ये शुद्ध विलय के लिए, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा लेकिन ये तो घट रहा है ये देखिए। ठीक है ना, तो ये ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन है। उम्मीद है आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन समझ में आया होगा। धन्यवाद।